भूपेंद्र हुड्डा ने फिर अपनी चलाई, सुरजेवाला के साथ सेलजा को भी निपटाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के तालाब का वह मगरमच्छ है जिसने तालाब की सारी मछलियां खा ली है, लेकिन पेट अभी भी नहीं भरा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने न कभी हरियाणा को आगे बढ़ने दिया और न ही कभी कांग्रेस पार्टी में किसी अन्य नेता को। कुमारी सेलजा का पता कटने के बाद अब रणदीप सुरजेवाला की बारी है, क्योंकि केंद्र हो या राज्य, कांग्रेस में सिर्फ चलता है परिवारवाद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं, कुमारी सेलजा और रणदीप सुरजेवाला को ठिकाने लगा दिया। दोनों इस समय सांसद हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब नहीं लड़ पाएंगे। मौजूदा हरियाणा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है, मगर कांग्रेस अपने भीतर मौजूदा गुटबाजी से परेशान है। आपसी कलह कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस का स्थायी भाव बन चुका है। इन दिनों हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस के भीतर उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी लगातार मिल रही है। बुधवार को दोपहर से टिकटों पर मंथन हुआ, जो लगातार कई घंटे चला। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के कांग्रेस के पास लगभग 2500 से ज्यादा उम्मीदवारों की अर्जियां आ चुकी है। कांग्रेस के भीतर दिक्कत है कि गुटबाजी नीचे से ऊपर तक चल रही है। वहां सरकार में आने की संभावना को देखते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सेलजा भी सीएम पद की दावेदारी जता चुकी है। इसके लिए वे बकायदा अपने लिए विधायकी का टिकट चाह रही है। चर्चा है कि कांग्रेस महासचिव और हुड्डा सरकार में मंत्री रहे रणदीप सिंह सुरजेवाला भी असेंबली चुनाव लड़ना चाहते हैं। बड़े नेता सेलजा और सुरजेवाला की डिमांड सामने आने के बाद कांग्रेस आलाकमान को एक सख्त संदेश देना पड़ा। हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया ने बुधवार को टिकटों के मंथन के लिए हुई बैठक के बाद मीडिया में कहा कि कोई भी मौजूदा सांसद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा, सांसद मौजूदा चुनाव में सिर्फ पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि बुधवार को लगभग 15-16 टिकटों पर चर्चा हुई, हालांकि उम्मीदवारी तय करने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। शनिवार तक लिस्ट कुछ तैयार हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की लिस्ट 7-8 सितंबर के आसपास आ सकती है। हरियाणा को लेकर नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। पार्टी ने संकेत दिया है कि मौजूदा विधायकों की टिकट की दावेदारी बरकरार रहेगी। टिकट उन्हीं विधायकों के कटेंगे जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस के सामने क्या है टेंशन? शैलजा और सुरजेवाला जैसे कद्दावर नेताओं द्वारा चुनाव लड़ने की डिमांड करने से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व टेंशन में है। इससे सीएम पद की दावेदारी पर घमासान मचने की संभावना बढ़ेगी। दूसरी ओर अगर ये दोनों नेता चुनाव लड़ते हैं तो इनकी खाली हुई क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा सीटों पर फिर से चुनाव होने पर कांग्रेस के जीतने की चुनौती बढ़ जाएगी। रोहतक से लोकसभा जीतने वाले दीपेंद्र हुड्डा की राज्यसभा सीट जो खाली हुई वे कांग्रेस के हाथ से निकल गई। वहां से हाल ही में बीजेपी के टिकट पर किरण चौधरी जीत कर आई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आने वाली अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।